देखिए होली की माता प्रकट चुकी है, प्रहलाद जी बच चुके हैं, भगवान जी ने बचा लिया। और अभी आप सब दर्शन कर लीजिए, हम भी चलते हैं। तो अभी यहाँ पे जो वो होली का माता प्रकट चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं वहीं पे जहाँ हमने अद्भुत नजारा देखा, जिसकी जहाँ पे सच्ची होली का माता मिठाई बन बना इंसान को बनाकर मिठाई गया था। अगर प्रकट नहीं हुई वहाँ पे तो प्रकट हो जाएंगे, तो प्रकट नहीं चल जाएगा तो पता नहीं अभी क्या होगा। वैसे रिक्स वाला काम है, पर उन सब ने किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो चलो चलते हैं, अगर वहाँ पे देखने को मिलेगा तो दिखाएंगे आप सबको, वरना फिर तो ये देखो हमारे बेड लग हो गए, क्योंकि यहाँ पे होली का प्रकट चुकी है। तभी वो पता नहीं सच्ची वाली होली का माता कहाँ पे है। तो सभी जगह पे जो है ना टाइम एक ही होता है, जो टाइम होता है ना उसी टाइम के आसपास जो वो होली का माता को रखता जाता है। तो हम लेट हो गए क्योंकि हम वहाँ पे बैठे थे, क्योंकि वहाँ का नज़ारा हमें देखा था, वहाँ की यादें हमें ताज़ा करनी थी, क्योंकि हम हर साल वहाँ पे जाते थे। जब से वहाँ पे होली का माता और प्रहलाद जी को बिठाया जाता है और बनाया जाता है और प्रोग्राम सारे हो रहे हैं ना, तब से हम वहीं पे ही जाते हैं देखने के लिए। तो इसलिए इस साल हमें जाना ही था वहाँ पे, तो हम देख कर भी आए, दर्शन करके भी आए। और अभी बस हम चलो चलते हैं घर पे, सब पूजा भी करने लगी है होली माता की और दर्शन भी कर चुके हैं, और अभी सारी जगह पे जो होली का माता प्रकट थी हो चुकी है। तो देखो अभी यहाँ पे प्रकट नहीं हुई है, तो अभी यहाँ पे अभी प्रकट देगी। और बजर की जो प्रख्यात हमें होली है ना खिचड़ी प्लॉट में, बाड़ी प्लॉट में, वहीं पे हम आए हैं। और यहाँ पे भी हमारा लक है कि होली का माता को जलाया नहीं गया, तो आपको दर्शन करवा दें। चलो तो ये देखिए यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं, और वहाँ पे होली का माता बनाई गई हुई है। तो अभी हम आगे जा पाएंगे तो जाएंगे और अच्छे से दिखाएंगे। Okay.
देखो समय सब लग चुके हैं, चलो आप दर्शन कर लीजिए। हमने तो कर लिए है और अब हम जा रहे हैं घर पे। पूरी तरह से जो है प्रगट गई है और फटाके अभी भी चल रहे हैं, अभी आधे घंटे तक चलेंगे। हम जा रहे हैं वापस घर पे, क्योंकि अब यहाँ पे खड़े रहकर थक गए हैं। हमारा व्रत था पूरे दिन का, तो अभी यहाँ पे मेरे की भूख भी लग गई है, देर है तो गन्ने का जूस दिया जाए, तो अभी यहाँ पे हमारा गन्ने का जूस आ रहा है। होली वो आपको दिखाई खिचड़ी फ्लोर की, वहाँ पे हम कितनी देर खड़े रहे, क्योंकि हम वहाँ पे पहले ही खड़े थे, तो हमने सोचा कि पीछे पास चढ़ जाने से अच्छा है कि हम यहीं पे खड़े रहे, तो इसलिए वहाँ पे कितनी देर आधा घंटा पौना घंटा जितना हो गया हम वहाँ पे कब से खड़े थे। और होली का माता के दर्शन करके ही आए और आप सबको करवाए ही, और वहाँ पे जो आतिशबाजी ढेर सारे पटाखे जो होते हैं, तो ये जो फेमस होली है बहुत मतलब फेमस आप सबको दिखाया। चलो अभी हम चलते हैं घर पे, भूख लगी है। देखिए अभी ये हमारे लास्ट होली है, अभी हम कहीं पर नहीं जाएंगे लिखने के लिए और दर्शन करने के लिए। तो चलिए अभी ये होली जिस तरीके से होली का जो वो चली उसी तरीके से आप सभी के से जीवन में से और मेरे भी जीवन में से दुख दर्द रोग कोई भी तकलीफ हो और किसी के साथ मतभेद हो तो वो इस होली की अग्नि में चल कर राख हो जाए, ऐसी मेरी प्रभु से जो जो प्रार्थना है। और देखो आप सभी हमारी प्रार्थना करा, ठीक है? चलो अभी तीर्थ जाएगी होली माता की, जो वो पास में देखो। फिर जो है होली माता के फटके आ गई है, कैसा लगा? तीर्थ गर्म गर्म हो गई तीर्थ को, देखो साथ ही में नाश्ते पानी भी मिल रहा है, बच्चे का फायदा ही फायदा। चलो अभी अंदर जाते हैं घर पे, खाना है ना, यहाँ पे बैठना है, खाना खाना नहीं है, खाना नहीं है। ये हेयर स्टाइल देखो तीर्था की कैसी थी और कैसी हो गई। देखिए रात के बज चुका है, रात का आज देर बज चुके हैं। हमें भी कुछ पता नहीं चला, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ ये सब कुछ करते करते रात के देर बज चुके हैं और अभी हमारे सोने की टाइम देर 130 हाँ। तो अभी देखिए तीर्था को तो बहुत तेज नींद आ रही है, मुझे भी अभी नींद फिलहाल आने लगी है। ब्लॉग अभी ही एडिट कर दिया है ताकि सुबह एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, तो एडिट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ब्लॉग जो है वो भी जल्दी आ चुका होगा। ये व्लॉग जो है पार्ट टू में आएगा, तो ये पार्ट टू होगा, क्योंकि फिर व्लॉग वो पहला वाला था ना वो बहुत लंबा हो जाता था, इसलिए वो पार्ट वन रखा। पार्ट टू जो है वो एडिट करना बाकी है, तो वो भी तो एडिट नहीं होगा, कल एडिट नहीं होगा बिल्कुल भी, परसों एडिट होगा, तो वो परसों आएगा। और बाकी कल जो है वो रंग से होली खेलेंगे, तो जैसे हम रंग से होली खेलते हैं ना, तो हमारे कपड़े तो कलरफुल हो जाते हैं, हमारा शरीर कलरफुल हो जाता है, इसी तरह से हमारा और आप सबका जीवन भी कलरफुल हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना है ना। और बाकी कल का प्रोग्राम क्या है वो कल के व्लॉग में ही बताएंगे, वरना फिर ये व्लॉग भी लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, राधे 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 राधे। कल का बहुत जोर शोर से प्लान करना, कमेंट में बताना।
कृष्णा के भाई का नाम क्या है? कमेंट में ये बताना कि प्रहलाद के पिताजी का नाम क्या है, क्योंकि होली है तो प्रहलाद के पिताजी का नाम क्या है वो आप कमेंट में बताना, ठीक है? और चलिए, कल की जोर शोर से तैयारी हो रही है, कहाँ कहाँ जाए, कहाँ कहाँ नहीं, ये हो रहा है। प्रहलाद उसके पिता का नाम क्या? ओके, चलो बाय बाय, हैप्पी होली, हैप्पी होली।